नमस्ते आज हम लोग सावित्री के बुक फोर कैंटो टू उसमें थोड़ा सा गहराई से उतरेंगे इस कैंटो का नाम है द ग्रोथ ऑफ द फ्लेम शेयरविंद का एक पत्र है कि डिवाइन भी जब मानव देह लेते हैं तो जैसे जैसे शरीर मन प्राण इसका विकास होता है तो एक प्रोग्रेसिव डिवाइन मैनिफेस्टेशन होता है ऐसा ही नॉर्मल लाइफ में भी होता है कि पहले ये नहीं कि सीधा चैत्य सत्ता जागृत हो जाती है पहले प्रकृति का विकास होता है और प्रकृति के यंत्र उपकरण जिस कार्य हेतु हम आते हैं उस तरह से उनका विकास होता है और उसके बाद चैत्य सत्ता और फिर वो चैत्य सत्ता बताती है कि हमारा इस संसार में मिशन क्या है तो यहाँ पर उसका वर्णन है प्रारंभ वहाँ से हुआ था पहले कैंटों में हम देखते हैं कि वो एक कॉन्शियस बर्थ है दूसरे कैंटों में पहले भाग में शेयरविंद हमें ये बताते हैं कि कैसे उनकी प्रकृति में भिन्न भिन्न भाग डेवलप होते हैं और उसमें सारा विस्तार में बताते हैं कि किस तरह से म्यूजिक पोइट्री फिलॉसफ़ी आर्ट्स कल्पचर पेंटिंग ये सारी विधाएं सीमा के अंदर सावित्री के अंदर डेवलप होती हैं किंतु जो इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये आता है जब वो एक मानव सीमा ये विकास तो और, औरों में भी होता है लेकिन मानव सीमा में जो विकास संभव है उस विकास को प्राप्त करने के बाद वो ये देखती हैं कि नहीं इसके परे भी कुछ है जो उनके अंदर है और वो वो प्रकट करने के लिए आई हैं जो इन विधाओं में से कोई भी विधा उसको संसार में प्रकट नहीं कर पा रही है साधारणतः हम लोग इसको माँ बाद में बताती हैं उनकी एक पूरी टॉक है लोअर एंड हायर परफेक्शन सो लोअर परफेक्शन है मनुष्य की सीमा के अंदर हम जो विकास कर सकते हैं तो उसमें अनेकों जो मानव विधाएँ हैं फिलॉसफ़ी है, है साइंस है आर्ट है म्यूज़िक है पेंटिंग है और दूसरा है हायर परफेक्शन हायर परफेक्शन जो डिवाइन परफेक्शन है जो संभावनाएँ हैं जो अभी यहाँ पर विकसित नहीं हुई हैं और जो आई नहीं हैं। तो इस योग में इन दोनों को अगर हम मिला सकें तो ये बहुत सुंदर है और अति उत्तम है आम तौर पर योग में मानव फील्ड को कम्प्लीटली ब्लैंक छोड़ दिया जाता है कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है और सीधा हम भगवान की ओर लग जाते हैं जैसे किसी ने बहुत पहले मुझे याद है एक वार्तालाप में किसी ने बात की थी कि मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था विज्ञान पढ़ रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि ये सब क्यों कर रहे हो यदि तुम्हें भगवान को ही पाना है तो इसका क्या महत्व तो है और उसने उसको छोड़ करके फिर कहा कि सही बात है इसका इसकी उपयोगिता क्या है लेकिन इस योग में इस प्रकार की धारणा नहीं लेते हैं हम लोग हर चीज़ का अपना महत्व है क्योंकि वो यंत्र उपकरणों के लिए हैं और आत्मविकास भगवान की शक्ति ऊर्जा और उसी के माध्यम से अगर ये यंत्र उपकरण तैयारी नहीं है तो फिर अगर हम अंदर में कुछ प्राप्त भी कर लेते हैं तो बाहर से हम इसको प्रकट नहीं कर पाएंगे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इसका एक सिंपल उदाहरण ये होता है कि कोई म्यूजिशियन है उसने डायरेक्ट शिव जी का साक्षात्कार करके सीधा नाद ब्रह्म उसको प्राप्त कर लिया लेकिन यदि उसका गला डेवलप नहीं है उसको संगीत के बारे में नहीं आता है तो वो उसको प्रकट भी करना चाहे तो प्रकट नहीं कर पाएगा तो इस कैंटो में हम लोग प्रारंभ में यही देखते हैं ग्रोथ ऑफ द फ्लेम में जहाँ वो बताते हैं कि किस तरह से आ, सारी की सारी विधाएँ उनके अंदर डेवलप होती हैं लेकिन इसके अंत में पेज 361 सौ इकसठ जहाँ से हम लोग थोड़े से कुछ कुछ पढ़ेंगे और उसमें सब कुछ है मैथमेटिक्स है जितने भी प्रकार की लर्निंग है हम लोग ह्यूमन लिमिट्स के अंदर संभव है वो सब करने के बाद दीज थिंग्स शी टुक इन एज हर नेचर्स फूड बट दीज़ अ लोन कुड फिल नाट हर वाइड सेल्फ तो ये प्रकृति के लिए एक भोजन है जो प्रकृति को डेवलप होता है होती है उसकी कैपेसिटीज डेवलप होती हैं और ये आवश्यक हैं। किंतु ये पर्याप्त नहीं है यही एक डिफरेंस है हम लोग इसमें पहुँच करके हम सोचते हैं कि इसको छोड़ करके हम एक अलग उसमें चल प्रवेश कर पाएंगे लेकिन शेरविंद डिस्टिंग्विश करते हैं कि प्रकृति के नेचुरल इंस्ट्रूमेंट्स का डेवलपमेंट और हमारे आत्मा का जो एक डेवलपमेंट है उसकी जो नेक्स्ट स्टेप है उसका एसेंशन है माइंड के बाहर से निकलकर अन्य क्षेत्रों में प्रवेश और उन शक्तियों का आकर के अंदर में रूपांतरण ये एक नई चीज है ए ह्यूमन सीकिंग लिमिटेड बाई इट्स गेंस टू हर दे सीम द ग्रेट एंड अर्ली स्टेप्स हेजार्डस ऑफ ए यंग डिस्कवरिंग स्पिरिट विथ सॉ नॉट येट बाईट्स ओन नेटिव लाइट इट tapped द यूनिवर्स with टेस्टिंग नॉक्स और स्ट्रेस to फाइंड ट्रूथ Mind's डिवाइनिंग रॉड There वाज a ग्रोइंग आउट to नंबरलेस साइड्स बट नॉट द widest सीइंग ऑफ द सोल तो ये सारी चीज़ें जो हम अब तक हम हम जिनको हमारे विकास एजुकेशन के द्वारा होता है तो इन सब के द्वारा हम अपनी सीमाओं का विस्तार करते हैं लेकिन सीमाओं का विस्तार असीम में प्रवेश नहीं है ये शुभनिषद में इस बात को बड़े सुंदर ढंग से विद्यांच अविद्यांचे यस्त द्वेदों साहम भया तो ये सारा हम करते हैं किसी भी जैसे मेडिसिन की फील्ड को ले लें तो उसमें रिसर्च होती जाएगी आपकी बाउंड्रीज आगे बढ़ती जाएंगी आगे बढ़ती जाएंगी लेकिन एक पॉइंट आएगा जिसके आगे, आगे आप नहीं जा सकते हो क्योंकि आप उसी सर्किल में घूम रहे हो तो उस पॉइंट के परे क्या है वो ये जानती है कि ये जो ज्ञान है अब तक मैंने सीखा है अब तक मैंने जाना है और डेवलप किया है ये एक सीमित ज्ञान है इस सीमा के परे असीम वो उनको उस दिशा में जाना है नॉट येट द वास्ट डायरेक्ट इमीजिएट टच नॉट येट द आर्ट एंड विजडम ऑफ द गॉड्स अब इसका एक जो प्रत्यक्ष उदाहरण सीमा के जीवन में हम देखते हैं पेंटिंग तो है ही लेकिन खासकर म्यूज़िक के क्षेत्र में हम देखते हैं तो म्यूज़िक के क्षेत्र में हम ये देखते हैं म्यूज़िक और कन्वर्सेशन दोनों में हम देखते हैं म्यूज़िक के क्षेत्र में माता जी का जो म्यूज़िक है उसको हम ना इंडियन म्यूजिक कैटेगराइज कर सकते हैं ना वेस्टर्न म्यूज़िक कैटेगराइज कर सकते हैं उसमें कोई नई चीज़ है तो दैट डायरेक्ट टच ऑफ द गॉड्स ये उस प्रकार का संगीत है उसी तरह से जब हम माँ के कन्वर्सेशंस को पढ़ते हैं तो अगर आप इसको ग्रामेटिकली समझने की चेष्टा करेंगे तो ये कठिनाई होती है लेकिन उसका जो प्रभाव होता है बहुत गहरा प्रभाव होता है क्योंकि उसमें माता जी एक नई चेतना डालती हैं ए बाउंडलेस नॉलेज ग्रेटर देन मैंस थाट ए हैप्पीनेस टू हाई फॉर हार्ट एंड सेंस लॉकड

लेकिन पहले एक बड़ी सुंदर लाइन है अर्थ मेड ए स्टेपिंग स्टोन टू कॉन्कर हेवेन द सोल सॉ बियॉन्ड हैवेन्स लिमिटिंग बाउंड्रीज मेट ए ग्रेट लाइट फ्रॉम द अन एंड ड्रीम्ड ऑफ ए ट्रांजेंडेंट एक्शन फीयर सो माता जी जब बताती हैं साइकिक एजुकेशन स्पिरिचुअल एजुकेशन और सुपरामेंटल एजुकेशन के बारे में तो यही बताती हैं कि स्पिरिचुअल एजुकेशन भी Uh, प्रकृति के अंदर और भी संभावनाएं ग्रेटर माइंड के अंदर उनमें हमारा डेवलपमेंट है उसमें हमारा विकास है लेकिन इसमें हम एक बाउंड्री पर पहुंचते हैं जहां क्रिएशन की बाउंड्री है कॉस्मॉस की उसके परे ट्रांसेंडेंट ट्रांजेंडेंट है तो माँ कहती है हमको उसमें जाना नहीं है उस बाउंड्री पर प्रतीक्षा करके वो जो अब तक जिन चीज़ों ने फॉर्म नहीं लिया है फॉर्मलेस हैं उन चीज़ों को नया रूप देना है नया फॉर्म देना है अब ये आजकल ये आ गई है ये थॉट आ गया है और ये थॉट किस तरह से आया है न्यू एज म्यूजिक न्यू एज मेडिसिन न्यू एज आर्ट तो वो एक प्रयास है कहीं कही ना कहीं कि कोई ऐसी चीज़ है जो अब तक अभिव्यक्त नहीं हुई है अब ठीक है उस प्रयास में बहुत सारे मिक्सचर हैं लेकिन वो एक माध्यम बन रहा है इस नई चीज़ को प्रकट करने का ट टू हर स्पिरिट हाँ, शी टर्न टू लिविंग हार्ट्स एंड ह्यूमन फॉर्म्स हर सोल्स रिफ्लेक्शंस, कॉम्प्लीमेंट्स काउंटर पार्ट क्लोज़ आउटलाइंग पोर्शंस ऑफ हर बींग डिवाइडेड फ्रॉम हर बाई वॉल्स ऑफ बॉडी एंड माइंड येट टू हर स्पिरिट बाउंड बाई टाइज डिवाइन तो किस प्रकार से जब भगवान बड़े जब माँ बड़ी हो रही है डेवलप हो रही हैं तो ये उनके एडोलेशन का वर्णन है कि उनके जीवन में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जैसे किसी के भी जीवन में जुड़ते हैं तो हम लोगों का आधार क्या होता है हम लोगों के लोगों से जुड़ने का आधार होता है ईगो एंड इट्स इंटरेस्ट जो लोग हमारी भाषा बोलते हैं जो हमारे जैसे कस्टम करते हैं जो हमारे ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं हमारे एक ही रिलीजन के हैं गाँव के हैं उनसे हम जुड़ते हैं लेकिन जब डिवाइन मदर टाइज करती हैं तो वो दूसरे ढंग से है वो रिकवर कर रही हैं उस टोटालिटी को उन लोगों से उनका उनकी टाइज जुड़ रही हैं जो कहीं ना कहीं उनके काउंटर पार्ट रहे हैं जीवन के युद्ध में महासंग्राम में थ्रू द एजेस शेयरविंद भी इसके बारे में बताते हैं कि जो जो लोग उनके जीवन में जहाँ जहाँ जुड़े थे वो एक इस जीवन की टाई नहीं थी इस जीवन का बंधन नहीं था वो एक अलग प्रकार का आ, कई जन्मों का एक रिलेशन है जो डिक्लेयर कर रहा था एक लाइफ में तो यहाँ पर उसका वर्णन है कि वो सारे लोग जिनसे वो मिलती हैं वो उनको कैसे देखती हैं वो उनके ईगो को पोषित करने के लिए नहीं है आर हर सोल्स रिफ्लेक्शंस उनके क्योंकि वो साधारण सोल नहीं है वो कितने एजेस में माँ स्वयं बताती हैं कि किस किस युग संधि के अवसर पर वो वहाँ पे रही हैं संसार में एज ए विभूति कैरिंग ऑन द वर्क ऑफ इवोल्यूशन तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उनसे जुड़ा था और वो सब उनके पास नेचुरली आने लगते हैं तो इस प्रकार का उनका जीवन है येट टू हर स्पिरिट बाउंड बाई टाइज डिवाइन वे नहीं जानते हैं लेकिन माता जी जानती हैं ओवरकमिंग इनविजिबल हैच एंड मास डिफेंस एंड द लोनलीनेस दैट सेपरेट सोल फ्राम सोल शी विस्ड टू मेक ऑल वन इमेन्स एम्बरेज एंड मेक दैम वन विद गॉड एंड वर्ल्ड एंड हर तो वो जब लोगों से जुड़ रही थी तो इसलिए नहीं जुड़ रही थी कि उनको उससे क्या लाभ होगा उनकी उनके ईगो का इंटरेस्ट क्या है लेकिन केवल उनका एकमात्र उद्देश्य था कि मेरे द्वारा किस प्रकार से एक एक मनुष्य भगवान के साथ जुड़ सके ये उनके रिलेशन्स uh, का उद्देश्य है लेकिन ओनली ए फ्यू रिस्पॉन्डेड टू हर कॉल स्टिल फ्यूअर फेल्ट द स्क्रीनड डिविनिटी And strove to mate its godhead with their own, approaching with some kinship to her heights. bahut बहुत कठिन होता है भगवान के साथ भगवान के रूप में जुड़ना नलनीता एक जगह आज उनका बर्थडे भी है एक जगह कहते हैं कि हम divine mother की ओर दो भाव से मुड़ सकते हैं एक है human भाव से और दूसरा है डिवाइन भाव से सो so, ह्यूमन भाव से मुड़ना क्या होता है कि ह्यूमन बींग जैसे मेरा इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट को हम देखते हैं और जो डिवाइन भाव है उसमें हमारी सोल के एस्पिरेशन को हम देखते हैं तो ह्यूमन भाव ये होता है कि हम डिवाइन मदर की ओर मुड़ेंगे तो हमें ह्यूमन लाइफ में क्या फ़ायदा होगा हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या हमारे घर में संपत्ति अधिक आएगी क्या हमारे बच्चों के ऊपर उनका वरद हस्त रहेगा क्या हमारे प्रमोशन में फैसिलिटेट होगा ये होता है ह्यूमन भाव और ये नहीं कि ये मना किया गया है लेकिन ये एक इग्नोरेंस का भाव है और दूसरा इसमें हम रियल गेन नहीं होता है हमें क्योंकि हम ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी लेकिन जो रियल पर्पस होता है डिवाइन भाव डिवाइन भाव क्या होता है कि हमारे सोल की एस्पिरेशन है और वो एस्पिरेशन अगर संसार में पूर्णता की है तो फिर ये पूर्णता कोई और इसको नहीं ला दे सकता है तो वो होता है टू यूनाइट विद द डिवाइन टू टर्न टू द डिवाइन डिवाइनली डिवाइन टर्निंग का मतलब है हम सोल की एस्पिरेशन के लिए मुड़ते हैं और बाकी हमारे बाहरी जीवन में क्या होता है क्या नहीं होता है वो हमारे लिए गौण हो जाता है जैसे स्वामी विवेकानंद के केस में हम देखते हैं कि वो और सभी के केस में कि जगन माता की ओर इसलिए मुड़ते हैं क्योंकि उनको कहते हैं मुझे भक्ति दो ज्ञान दो वैराग्य दो वो जाते हैं मांगने अपने परिवार के लिए लेकिन यही मांग पाते हैं तो दैट इज़ द डिफरेंस जो एक ट्रोली स्पिरिचुअल टाई होती है जिससे हम भगवान के साथ बनते हैं और एक ह्यूमन टाई तो यहाँ पर यह है कि लोग उनकी ओर मुड़ते तो थे लेकिन उनको इस भाव से देख नहीं पाते थे क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशन थी माता जी के जीवन के दो बड़े सुंदर उदाहरण हैं एक उदाहरण है जहाँ पर किसी ने जहाँ जापान में वो ठहरी थी उनसे पूछा डॉक्टर ओकावा थे तो कहा कि आपका हमारी माँ के बारे में आप तो उनके वो आपके साथ रहीं तो आपका क्या अनुभव है तो कहती है हम तो उन्हें एक मित्र के रूप में जानते थे तुम्हारे लिए तो माँ है लेकिन हम तो एक मित्र के लिए रूप में जानते थे और वो उदाहरण देते हैं जापान के एक माउंटेन का जो ज्वालामुखी है माउंट फूची तो कहते हैं हम माउंट फूची के इतने करीब थे कि हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाए कि इसके अंदर कौन सा प्रचंड ज्वालामुखी है तो कई बार जैसे होता है ना जब हम बहुत करीब हो जाते हैं तो हम केवल एक ह्यूमन एस्पेक्ट देखते हैं लेकिन वो भी बड़ा सुंदर है वो बताते हैं और हम उस डिवाइन चीज़ को नहीं देख पाते हैं और माँ एक बार दूसरा उदाहरण है माँ की एक मित्र थी अलेक्जेंड्रा डेविड नील वो बुद्धिस्ट थी और वो माँ से मिलने आई जब मिलने आई तो उन्होंने पहले तो ब्लेसिंग्स भेजी अपनी कि भगवान आपको ब्लेसिंग दे तो माँ हंसने लगी <laughs> वो बताती हैं किसी रिटर्न दिस इन द लेटर फिर आ के वो माता जी से मिलती हैं और कुछ बुद्धिस्ट वार्तालाप होता है तो माँ कहती हैं ऑल द टाइम मैं देख रही थी कि बुद्ध उनके साथ खड़े हुए हैं और वो कहना चाह रही कि बुद्धा इज़ लव लेकिन वो कहती हैं नहीं बुद्धा इज़ इज निर्वाणा क्योंकि वो अपने मेंटल कंसेप्ट में तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि माँ का जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है कि हाउ शी इज़ अ डिवाइन मदर क्योंकि उनकी अपनी अवधारणा डिवाइन की बुद्ध तक सीमित है तो उसी प्रकार से कई लोग उनसे मानवीय रूप में जुड़ते हैं और उनको फिर जिस रूप में हम जुड़ते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन वैसी रामायण में इसका उदाहरण आता है कि जब राम जी जाते हैं जानकी के स्वयंवर में तो बहुत सुंदर वर्णन है कि सब अपने अपने ढंग से देखते हैं तो जो वहाँ पे राक्षस ससुर हैं वो कहते हैं मेरा तो काल आ गया जो नगरवासी हैं वो कहते हैं इतने सुकुमार बालक अरे जानकी के तो असली वर ये हैं लेकिन क्या राजा हमारा कितना क्रूअल है शिव धनुष भंग करने की प्रतिज्ञा कर दी है ये कैसे भला धनुष को उठा पाएंगे क्योंकि वो एक सुकुमार एस्पेक्ट को देखते हैं वो सुकुमार है तो वो सुकुमार देखते हैं और जो वीर होते हैं वो तो देख के उनकी वीरता को कहते हैं पानी पानी हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं पौरुष तो यहाँ पर हमारे सामने आ गया है और जो सियर एंड सेजेज हैं वो जब उनको देखते हैं ऋषि मुनि तो प्रणाम करते हैं कि हमारे सम्मुख तो अवतार प्रकट हो गए so, यहां पर उसका वर्णन है कि जैसे जैसे भिन्न भिन्न लोग उनकी ओर मुड़ते हैं जिस भाव से मुड़ते हैं उस प्रकार से हमको डिवाइन से रिस्पॉन्स मिलता है टू बी नियर हर ड्रू ए हाई worship सो God वर्शिप great गॉड टू ग्रेट टू नो टू हाई टू a limiting ए लिमिटिंग शेप a ए प्रेजेंस एंड ओबे might. एडोर ए लव हूज रैप्चर इन वेट्स देयर ब्रेस टू ए डिवाइन आर्डर क्विकनिंग द हार्ट बीट्स ए लॉ दे फॉलो ग्रेटनिंग हार्ट एंड लाइफ तो अधिकांश लोग एक वर्शिप के भाव से जुड़ते हैं वर्शिप का भाव यह है कि आप अति महान हो हम आप जैसे नहीं बन सकते हैं लेकिन हम आपकी शरणागत हो रहे हैं तो वो भी एक भाव है जिसमें धीरे धीरे भगवान जो वर्शिप करता है उसको लिफ्ट करते हैं मट्टी से जहाँ वो गिरा हुआ है और अपने गले लगाते हैं तो ये एक भाव है उसके आगे और अलग अलग भाव बताते हैं ए बींग लव्ड हुज बाउंड एक्सीडेड देअर्स हर मेजर दे कुड नॉट रीच But bore her touch, answering with the flowers' answer to the sun, they gave themselves to her, and asked no more. तो ऐसे ही अधिकांश हम लोग मनुष्य हमारे अंदर ये सीमा होती है अब फूल जो है वो सूर्य नहीं बन सकता लेकिन वो सूर्य के प्रकाश के स्पर्श से पूरी तरह खिल सकता है तो माँ बताती भी हैं कि माई टच ब्लूम्स तुम्हारे अंदर जो संभावनाएँ उनको पूरी तरह विकसित करती है One greater than themselves, too wide for their ken, their minds could not understand nor wholly know. Their lives replied to hers, moved at her words. They felt a Godhead and obeyed a call, answered to her lead, and did her work in the world. Their lives, their natures moved, compelled by hers, as if the truth of their own larger selves.

और अगर हमसे कोई पूछे कि अच्छा आप बताओ कि माता जी कौन हैं तो हमारी रिस्पॉन्स वो रहेगी जो एक समुद्र में छोटी मछली से किसी ने पूछा समुद्र के बारे में बताओ तो मछली ने कहा कि समुद्र सामने भी है पीछे भी है ऊपर भी है नीचे भी है बाहर भी है अंदर भी है इतनी मैं जानती हूँ समुद्र लेकिन बहुत विशाल है मेरे लिए है उसमें कौन कौन से जीव जंतु हैं क्रीचर्स हैं मैं उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ तो इस प्रकार से लोग फेत से श्रद्धा से उनकी ओर मुड़ते थे और उनको इतना बस पता था कि यदि हम जुड़ गए हैं तो आगे हमारे जीवन में एक भविष्य में लार्जर फ्यूचर मनुष्य के परे परे एक और फ्यूचर है जो हमें अप्रोच कर रहा है और माता जी इसका पूरा एक अपनी कन्वर्सेशंस में बताती हैं कि जो गीता में लिखा है सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम प्रजा अंत में यही शिक्षण बताते हैं कि अर्जुन कंप्रिहेंड नहीं कर पाते हैं कि ये कौन है जिनको मैं अपना मित्र समझ रहा था इनके अंदर से सारी सृष्टि निकल रही है इनके अंदर सारी सृष्टि विलय हो रही है मैं तो इनको दो पाँव दो हाथ कंधे पे हाथ डाल के घूम रहा था ये मैंने क्या देख लिया तो अंत में श्री कृष्ण यही उनको भी समझाते हैं कि ये तेरी बुद्धि के परे है लेकिन तू केवल एक चीज कर सकता है तू अपने आप को मेरी शरण में डाल दे माता जी कहती हैं ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पाएंगे कि क्या घटित हुआ उनको सुपर माइंड के बारे में कुछ नहीं पता है उनको ये नहीं मालूम है कि नई क्रिएशन कैसी होगी उनको ये नहीं मालूम है कि जब हजार वर्षों बाद सुपरमैन कॉन्शियसनेस ये सब क्या होगी लेकिन उनको इतना पता है कि डिवाइन ने अपने आप को एक शरीर के रूप में एक एम्बॉडीड बींग के रूप में धरती पर प्रकट हुए ये फेथ है उनके अंदर और माँ कहती हैं बाई दिस फेथ अलोन दे विल बी रिडीम्ड इतना ही बहुत है उनके लिए ये जानना लेकिन ये अंदर का फेथ है ये मेंटल एक बिलीफ नहीं है ये अंदर में उनके फेथ है कि इट इज़ द डिवाइन हु टू की ह्यूमन बॉडी और इतना काफ़ी है उनके उनको नई सृष्टि में प्रवेश पाने के लिए यानी जब हम नई सृष्टि में प्रवेश होंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे अपना अपना परिचय पत्र लेके तो अब वहाँ जाके आप बोलेंगे मैं बहुत हाईली क्वालिफाइड हूँ मैंने बहुत विधाएँ हासिल करी हैं संसार में मेरा बहुत नाम था तो जब आप ऐसी बात बोलोगे तो वहाँ जो खड़ा होगा गेट पर वो कहेगा संसार में तेरा बहुत नाम था जा संसार में रहे <laughs> तो <laughs> फिर वहाँ आप जाके बोलोगे नहीं मैं तो यहाँ पर ये याचना लेके आया हूं कि मेरे बच्चे मेरे परिवार ये सब सुखी रहें ठीक है मैं तुम्हारी पर्ची वहां तक पहुँचा दूंगा इसके लिए डिवाइन मदर के पास जाने की जरूरत नहीं है मैं तथास्तु कर दूंगा उनका ओके हो जाएगा <laughs> तो तू चला जा वहाँ पर लेकिन कोई ऐसा होगा जो फेथ के द्वारा जाएगा किससे मिल रहा है जगन माता से मिल रहा है वही जो धरती पर जिन्होंने ये अवतार रूप अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है ये अवतार एक बड़ी अद्भुत बात ही एक रिवल्यूशन है आप बता करके नहीं करा सकते आप इसको डिबेट डिस्कस के द्वारा प्रूव नहीं कर सकते लेकिन ये एक आंतरिक रिवोलेशन है कि यस इट इज द डिवाइन हु बिकेम ह्यूमन और जिस दिन ये आती है उस दिन जब हम जा कर के द्वार पे कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मालूम हमने पढ़ा नहीं है ज़्यादा कुछ हमें सुपर माइंड के बारे में नहीं मालूम हमने कोई किताब नहीं पढ़ी लेकिन हमारे अंदर ये श्रद्धा है कि डिवाइन मदर और शेयरविंद ये भगवान ही है जिन्होंने मानव रूप धारण किया था तो वहाँ जो वहाँ दूसरा गेट पास चलता है ये नहीं कि आप यहाँ पर प्रस्पेरिटी वाला या गेस्ट हाउस वाला तो वहाँ जाकर जब आप ये दिखाओगे तो इट विल बी इन तो यहाँ जो पहला भाव है भाग है वो ये है लेकिन और भी अलग अलग लोग आएंगे भगवान के पास एक तरह के लोग नहीं आते हैं हर प्रकार के आते हैं तो इसलिए भी आते हैं कि हम भी दो हाथ अजमाना चाहते हैं भगवान के साथ सच में भगवान है हाँ है भगवान अच्छा पहले हमसे लड़के दिखाएं आर यू श्योर हाँ हम तो तभी मानेंगे अगर वो हमारे माइंड के जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व कर देंगे अच्छा और कुछ हमारे पास जो पावर्स हैं उस पावर से भी ज़्यादा उनकी पावर है क्या असुर इस प्रकार से मुड़ते हैं अगेंस्ट द नेचर्स बेंट लेकिन उनको वंडर भी होता है आप देखिए जितने भी असुरिक बींग्स हुए हैं वो शिव जी की माइट के प्रति कि यहाँ पर एक माइट है तो वो उस पावर को से अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पहुंच जाते हैं दरवाजा खटखटा के कि आप वो शक्ति हमें दे सकते हैं जिससे आप सारी सृष्टि का संघार करते हैं क्योंकि उनको श्रृहार करना है लेकिन शिव जो है वो देवता के रूप में श्रृंगार करते हैं दे वॉन्ट टू डू इट इग्नोरेंटली ड्रॉन बायर चाम एंड मास्टर्ड बाई हर विल पजेस्ट बाई हर हर स्ट्राइविंग टू पोजेस्ट तो इनकी पहचान क्या होती है नहीं हम ही एकमात्र हैं जो हमारे पास ही एक सर्टिफिकेट है कि डिवाइन मदर के पास जाना है तो आपको मेरे माध्यम से जाना है ऐसे भी अभी प्रारंभ हो गए हैं बहुत सारे आ, मैं कहता हूँ न्यू गुरुज स्टे अवे फ्रॉम देम जो अपने आप को भगवान और हमारे बीच में डाल देते हैं कि मेरे थ्रू मुझे एक टेक्निक मैं बहुत आश्चर्य होगा आपको कुछ दिन पहले मैं देख रहा था एक व्यक्ति ने अपने वेबसाइट पर लीनियज डाली है तो नीचे में पता नहीं कौन आनंद फानंद लोग हैं उसके ऊपर उन्होंने माँ अरविंद का चित्र डाला है उसके ऊपर उन्होंने अपना और अपने फ्रेंड का चित्र डाला है और कहा है कि हम इस लिनियत से हैं तो आप माँ अरविंद नहीं हैं हम इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं तो अब हैं इस प्रकार के लोग लेकिन बी केयरफुल किसी के कहने से कोई वो नहीं हो जाता है कि बिकॉज आई एम दिस डेंट सब्जेक्ट्स देर टाइड लॉन्गिंग हार्ट्स हगिंग द बॉन्ड्स क्लोज ऑफ विच द मोस्ट कंप्लेन ऐसे भी लोग हैं माता जी से किसी ने पूछा कि ये व्यक्ति है वो हमेशा हर चीज़ की कंप्लेंट करता रहता है कहते हैं हाँ लेकिन प्यार मुझे करता है हगिंग द बॉन्ड्स क्लोज छोड़ नहीं सकते लेकिन कंप्लेंट जरूर करते रहेंगे ये भी बुरा है वो भी बुरा है आप मिलेंगे ऐसे बहुत सारे लोग मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ कि अरे ये भी अच्छा नहीं है वो भी अच्छा नहीं है तो फिर उनसे कहा जाए तो ठीक है आप कहीं और चले जाइए नहीं, नहीं नहीं ये कैसे हम तो अपने ढंग से अच्छा बनाएंगे सो ये एक क्योंकि वो भगवान की लीला नहीं समझ पाते मर्मर्ड एट ए योग दे वुड टू लूज द स्प्लेंडिड योग ऑफ़ हर ब्यूटी एंड हर लव श्री कृष्ण के साथ होता है ना जब हम कृष्ण जी की लीला पढ़ते हैं गोप गोपिकाओं के साथ कितना कंप्लेंट होती है हर एक की कंप्लेंट होती है एक सीरीज़ uh, निकली थी श्री कृष्ण अवतार पर के मुंशी की आप उसमें अगर पढ़ेंगे तो आपको कृष्ण जी की व्यथा समझ आएगी भागवत में पढ़ते हैं तो उसमें वो डिवाइन श्री कृष्ण है, गोप गोपियों के साथ खेल रहे हैं उसमें श्री कृष्ण का एक ह्यूमन साइड कि जब उनको लोग समझ नहीं पाते हैं गोप गोपिकाएँ कोई उलहना दे रही है कोई कुछ और कह रहा है और श्री कृष्ण एक सीन मुझे अभी भी याद है उसमें और उन्होंने भी काफ़ी रिसर्च करके इसको लिखा है कि श्री कृष्ण एक दिन सब चीज़ से वो समुद्र के पास जाकर द्वारका का वहाँ वर्णन है वो द्वारका में ही जम्प्स इन टू द सी टू जस्ट स्विम इन टू द सी वो वर्णन ऐसा अद्भुत मानवीय है कि कुछ क्षण के लिए मैं अपनी विशालता में प्रवेश करना चाहता हूँ क्योंकि वो भगवान की व्यथा है भगवान की पीड़ा है दर्स परस्यूड हर विद लाइफ्स ब्लाइंड डिजायर्स आर्थ अर्थार्थी लाइफ्स ब्लाइंड डिजायर्स एंड क्लेमिंग ऑल ऑफ हर एज देयर लोनली ओन हेस एंड टू एंड ग्रॉस हर स्वीटनेस मेंट फॉर ऑल एज अर्थ क्लेम्स लाइट फॉर इट्स लोन सेपरेट नीड डिमांडिंग हर फॉर देयर सोल जेलस क्लास्ट तो ऐसे भी हैं जिनको इसी बात का अभिमान है कि हम माता जी के कमरे में काम करते हैं हम शेयरबिन के कमरे की चाबी हमारे पास है तो ये एक चीज़ें आ जाती हैं हम माँ के एकदम क्लोज फिजिकल एड हैं तो ये जेलस क्लास और हम ही हैं जो विशेष हैं क्यों क्योंकि माता जी ने हमें अपने पास रखा है हालांकि अगर वो पढ़ें तो आप देखेंगे कि माता जी ने किन किन को पास में रखा था एक स्टोरी है ना वो चिनमई जो आ, मुस्लिम थी महदी माम उनकी बेटी थी तो वो माता जी ने उनको पास रखा था उनके अंदर में ये भाव आते थे कि मैं माँ को धक्का दे दूँ हॉस्टाइल फोर्सेस से वो प्रभावित थी तो किसी ने माँ से पूछा आपने इसको पास में क्यों रखा है कहते हैं करुणावश बाहर जाएगी तो ये विनाश करेगी अपना भी और संसार का भी करुणावश श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि यू शुड नॉट गो बाय दिस आइडिया कि कौन मेरे कितना करीब है क्योंकि बाहर से करीब होना और अंदर से करीब होना बिल्कुल भिन्न अवस्थाएं हैं तो यहाँ इसका वर्णन है कि जो बाहर से भगवान को पकड़ते हैं और जो अंदर से भगवान को अपने अंदर धारण करते हैं दे आस्ट फ्रॉम आर मूवमेंट बाउंडेड लाइक देर ओन एंड टू देर स्मॉलनेस क्रीव्ड लाइक रेस्पॉन्स भगवान मैं आपके करीब हूं ना वो देखो मेरा शत्रु है उसको आप पनिश करना तो वो क्योंकि वो भगवान में क्या देखते हैं अपनी ही छाया को देखते हैं और चूंकि वो अपनी छाया को देखते हैं तो उनको भगवान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है उनको विश्व शक्तियों से वो रिस्पॉन्स मिलता है जिसको वो ढूंढ रहे हैं और दे रिपाइंड दैट शी सरपास दे ग्रिप एंड होप टू बाइंड हर क्लोज विद लॉन्गिंग स्कॉट्स अरविंद आप देखिए ये भी एक एक श्रेणी के लोग हैं जो आएंगे लेकिन वो सारे जीवन यही कहते रहते हैं कि समझ नहीं आते समझ नहीं आते समझ नहीं आते, समझ नहीं आते. क्योंकि हम कैसे पकड़ रहे हैं हम अपनी में शेयरविंद एक्चुअली बहुत सिंपल है डायरेक्ट है समझ क्यों नहीं आते हैं हमने अपने और शेयरविंद के बीच में वो सारी किताबों और लाइब्रेरियों को डाल रखा है जिसको हमने पढ़ा है हमारा अपना ही ज्ञान या अज्ञान हमारे उनके बीच में आता है कि शेयरविंद ये कह रहे हैं लेकिन शंकर के अद्वैत में कुछ और लिखा है इस तरह से हम नहीं पढ़ सकते हैं. हमें एक क्लीन स्लेट की तरह कि आप बताइए कि हमें क्या सीखना है लेकिन वो भी एक प्रकार के की टर्निंग है और फाइंडिंग टच डिजायर टू स्ट्रॉन्ग टू बेर दे ब्लेम्ड हर फॉर ए इनटू देव श्रैंक इन टू ब्राइट सन येट हैंकर्ड फॉर द स्पलेंडर दे रिफ्यूज इसकी तो कहानी हम लोग कई बार कर चुके हैं उतादी की कहानी है कि वो बहुत जब उनका मूड्स होता थे तो बहुत गुस्सा हो जाती थी तो एक बार बोलती कि मैं जा रही हूँ छोड़ छाड़ के और माँ ने उनको फूल दिए थे फूल वहाँ फेंक करके चली गई कमरे में जाके पैक कर रही हैं और माँ उनके पीछे पीछे भेज रही हैं वसुधा बहन को और वसुधा बहन उनको जाके कह रही हैं सुनना चाहोगी माँ ने तुम्हारे बारे में क्या कहा कुछ मुझे इंटरेस्ट नहीं है फिर भी बोल दो कहना है माँ कहती हैं वो खुद नहीं जानती कि वो मुझसे कितना प्यार करती है माँ ये नहीं कहती हैं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ वो खुद नहीं जानती है ऐसा कहा है माँ ने हाँ देखो तुम्हारे लिए कार्ड भी भेजा है कार्ड देखती कहती ठीक है ठीक है मैं रुक जाती हूँ देखिए आप भगवान कह रहे हैं कि रुक जाओ दिलीप कुमार रॉय जाना चाह रहे हैं और श्री अरविंद कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक पुत्र की तरह अब श्री अरविंद जो राज राजेश्वर योग योगेश्वर उनको क्या आवश्यकता है वो तो आसानी से कह देते थे जाओ तुम्हें जाना है तुम्हारे जाने और आने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा मुझे और ये फैक्ट है कि अंतर नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी वो उनके प्रेमवश अनुग्रह वश वो इस प्रकार से बांध करके रखते हैं फिर और फोर्स टू सेंटर राउंड हर देयर पैशनेट लाइव्स दे होप टू बाइंड टू देयर हार्ट ह्यूमन नीड्स हर ग्लोरी एंड ग्रेस देयर सोल्स बट मिड दिस वर्ल्ड दीज हार्ट एंसर्ड हर कॉल नन कुड स्टैंड अप हर इक्वल एंड हर मीट तो ये सारे तरह के लोग भगवान के पास आते हैं और भगवान सबको शरण देते हैं शिवजी की बारात है लेकिन कोई भी इनमें से वो नहीं है जो तैयार है तैयार कौन है कौन व्यक्ति है जो सच में भगवान का कॉमरेड पार्टनर बनने के लिए इस गेम ऑफ लाइफ में तैयार है उसका भी वर्णन माता जी आगे बताती हैं नोवेयर एमंग द मेनी नोवेयर

वैसा वैसे जिसके अंदर अभिपसा है वैसा कोई भी इनमें से कॉमरेड सेल्फ नहीं था सब अल्टीमेटली दे वर लुकिंग फॉर देयर ओन लिटिल सेल्फ सम नियर अप्रोच वे टस्ट कॉट फायर देन फेल्ड टू ग्रेट वॉज हर डिमांड टू प्योर हर फोर्स तो ये योग यात्रा है इसमें बर्नआउट भी होता है माता जी ने इसको कहा है रियल एडवेंचर तो एडवेंचर क्या है तो रियल एडवेंचर आप कल्पना कीजिए आप सब चले चलो कैलाश मानसरोवर तो बहुत खुश हैं सब ने पैकिंग कर ली प्लान बना लिए वहाँ कैमरा रख लिया सब कर लिया मित्रों को बता दिया कि हम जा रहे हैं उसके बाद चले पूरा टोकरी वोकरी लेकर के फिर आप कुछ को वीज़ा नहीं मिला तो उन्हें फिर सेकंड प्रयास ही नहीं किया कहा चलो ठीक है कौन जाए इतना लंबा कुछ ने कहा पैसे बहुत लगेंगे सोचा तो था लेकिन एक लाख रुपए कौन खर्च करे चाहे वो एक लाख रुपए ऐसे ही उड़ा देंगे लेकिन वो नहीं खर्च करेंगे फिर कुछ चले चले थोड़ा ऊपर चले कहा वहाँ पर क्या है वहाँ पर तो केवल अल्टीमेटली क्या मिलेगा बैरन माउंटेन है और माउंटेन के साथ एक लेक है कौन वहाँ तक जाएगा तो वो वहीं पर रुक गए ऐसे करते करते कोई एक बिरला होता है जो अंत तक एंड्योर कर पाता है ये यात्रा ऐसी है इसमें प्रारंभ आदमी एंथुजियाजम से करता है लेकिन जैसे जैसे उनका प्रेशर पड़ता है हमारी प्रकृति के ऊपर प्रकृति के अंदर जितनी भी फॉल्ट लाइन है वो दिखने लगती हैं यानी आप इस तरह से सोचिए कि भगवान को आपने सौंप दिया कि मुझे अब रीमेक करो तो भगवान कहते हैं श्योर तो आपने कह दिया हाँ अब कहा श्योर ओके फाइन लॉक किया जाए उसके बाद क्या होता है कहते हैं ओके फाइन अब मैं तुम्हें रीमेक करूँगा तो आप तैयार हैं कि अब भगवान हमें बनाएगा दिव्य उसमें गढ़ेगा तो पहले उन्होंने आपको फर्नेस में डाल देते हैं ये कहाँ डाल दिया आपने पिघलना है ना तुझे तू तु इतना रिजिड है इतना कठोर है पहले पिघलेगा ना तब मैं कुछ बनाऊँगा तो ये जो प्रोसेस है इसको एंड्योर करना बड़ा कठिन होता है ये इसीलिए इस योग में इस तरह से किसी को पकड़ लो कहीं से भी ये प्रचार प्रसार इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि इस प्रोसेस को झेलना एक विश्वास रखना कि भगवान है वो एक अलग बात है और उनको उसके अनुसार चीज़ें मिलती हैं लेकिन डिसाइपिल बनना एक बड़ी सीरियस बात है क्योंकि इसमें अंत तक जर्नी को एंड्योर तभी आदमी कर सकता है जिसके अंदर वैसा फेथ और एस्पिरेशन है कि चाहे संसार मुझसे छीन जाए लेकिन आई वॉन्ट दिस माँ बार बार कहती हैं कि दैट इज द कॉल फॉर द पाथ और तो ही चीज की बात करती हैं कहती हैं फेथ एंड एंड्योरेंस कुछ भी हो जाए पर आप अंतिम समय तक ऐसे लोग रहे एक उदाहरण जुगल है जुगलरा जो कई लोग हैं ऐसे किस तरह से उन्होंने इस यात्रा के, का आगे बढ़ाए बढ़े हैं जुगल था उनके पाँव में कौन था तो रोज चलते थे दर्द होता था किसी ने कहा आप कॉर्न कैप क्यों नहीं ठीक क्यों नहीं करवा लेते कहते नहीं 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 कब से मैं सोच रहा था कि मैं प्रति क्षण माँ के नाम का स्मरण करूँ अब ये मुझे पेन होता है तो मैं माँ हर बार मैं चलता हूँ माँ तो ये ऑटोमेटिकली होता है तो मुझे बड़ी खुशी कि इसी बहाने मुझे माँ ने अपने नाम का स्मरण करने के लिए और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं पवित्रता को देखिए लोग कई बार कैसा होना चाहिए इसमें एक अदम्य साहस इन्विटेशन शेरविंद की पोयम है ना स्टार्क मस्ट ही बी एंड ए किंग्स मैन टू डेंजर हु शेयर्स माय किंगडम एंड वॉक्स बाय माय साइड असोल्ट ऑफ दसुर ऑफ द गॉड्स ये सब आएंगे मार्ग में शेयरविंद की एक बहुत अद्भुत लेखनी है सुंदर है पर लॉ ऑफ द वे तो कहते हैं इमेजिन नॉट दैट द वे इज इजी सुपर माइंड न्यू क्रिएशन अरे वाह डेथ से एस्केप कर जाएंगे बीमारी नहीं होगी ये तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है स्वतः स्फूर्त ज्ञान आ जाएगा हृदय में हमेशा स्वीटनेस रहेगी ब्लिस रहेगी <laughs> माता जी कहती है उनसे पूछो जो इस मार्ग पर आगे बढ़े जिनको भगवान ने अपना मित्र बनाया है उनको वो इस तरह से तैयार करता है कि <laughs> इस पर एक जोक भी है माता जी जब ये कहानी सुनाती कहती है कि आस्क ऑफ देम जिनको भगवान ने कहा तुम मेरे मित्र हो तो ऐसा टेस्ट दे दे के उसको तैयार करते हैं भगवान कहते हैं ना जिसको ठोक बजा करके टेस्ट ऑफ फायर ताकि वो पूरा तैयार हो तो माँ कहती हैं कि इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि भगवान इसलिए आपके इतने कम मित्र हैं <laughs> क्योंकि उनके मित्र बनने के लिए अब देखिए अर्जुन था ना उनका मित्र था भगवान का अगर कृष्ण भगवान के उसमें देखा जाए तो मित्र किसको कहेंगे आप अर्जुन थे उनके मित्र जिसको उन्होंने चुना था फॉर वर्ल्ड थिएटर क्या क्या उससे नहीं करवाया अपने ही मातोलिस का सबका महाविनाश अपने पुत्र का त्याग यानी सिक्सटीन ईयर ओल्ड अभिमन्यु विवाह हुआ है वाइफ प्रेग्नेंट है उसकी डेथ हो जाना तो भीमसेन अपनी आंखों के सामने घटोत्कच तो वो तो फिर भगवान क्योंकि भगवान ऐसे जीते ना इन दैट सेंस ऑफ द इन्फिनिट इटरनल आप किसी भी टेम्पररी चीज से पकड़े हुए हैं यू हैव टू क्लिंग टू द डिवाइन एंड अलाउ हिम टू होल्ड यू लेकिन एक बार भगवान हाँ कह देते कि ठीक है चल तू मेरा मित्र है तो फिर वो फिर आपके उनके बीच की बात है संसार आपको बीच में नहीं रोक पाएगा कितना भी कोशिश करे तो भगवान का मित्र होना तो यहां उसका वर्णन है पूरा कि टू ग्रेट वॉज अ डिमांड टू प्योर हर फोर्स दस लाइटिंग अर्थ अराउंड हर लाइक ए सन येट इन इन मोस्ट हाई एंड ऑर बेलूव डिस्टेंस सेवर्ड हर फ्रॉम दोज मोस्ट क्लोज हम कहते हैं कि ये माँ के करीब वो माँ के करीब माँ से पूछो कौन आपके करीब हैं तो वो कहेंगे शिवरबिंद श्यूरविंद से पूछेंगे कौन आपके करीब है इस मत अन करीब जब हम देखते हैं उनके विशालता को इवन जो उनके एकदम नज़दीक रहे उनके साथ कंधा से कंधा मिला के काम किया वेयर कैन यू मैच दैट स्प्लेंडर एंड ग्रेटनेस इसीलिए अब अंत में शेरविन ऐसे माँ का भी उदाहरण दे रहे हैं और ऐसे लोगों का जो भगवान के काम करने के लिए ये कई लोगों के मन में अभिप्सा होती है हम भगवान का काम करें तो पता होना चाहिए कि वाट वी आर साइनिंग इन फॉर नहीं करना चाहिए पर साइन इन क्या कर रहे हो उसमें भगवान ने लिखा हुआ है बहुत से कॉलम आप कहेंगे हम भगवान का काम करेंगे वेरी गुड साइन इन कर दिया <laughs> लेकिन भगवान कहते हैं क्लॉज पढ़ लो वन टू थ्री फोर अंत में भगवान का काम करोगे तो बस आप भगवान के लिए रहोगे और कोई चीज कोई भी व्यक्ति आपका नहीं रहेगा और आप उसके नहीं रहोगे <laughs> ये आपको मान के चलना है दिस इज द प्रोसेस दी हार्ट्स ऑफ मैन आर एमोरस ऑफ क्ले किन क्योंकि क्यों नहीं मनुष्य भगवान का साथ दे पाता है क्यों नहीं वो उसके साथ अंतिम पड़ाव तक जा पाता है द हार्ट ऑफ मैन आर एमोरस ऑफ क्ले किन एंड दे आर नॉट स्पिरिट्स लो एंड हाई हु ब्रिंग फायर इंटीमेशन फ्रॉम द डेथलेस प्लेन टू वास्ट फॉर सोल्स नॉट बॉन्ड टू मेट विद हेवन श्री कृष्ण के जीवन को देख लीजिए अंत में जब श्री श्री कृष्ण के जीवन का अंतिम पड़ाव है तो कौन उनके साथ है सारा कुल एक दूसरे से लड़के समाप्त हो रहा है हालांकि उन्होंने जो करने आए थे कर दिया था एक राज्य जो स्थापित करना था धर्म राज्य भारत राष्ट्र धर्म के आधार पर यह सब उन्होंने कर दिया था गीता का ज्ञान संसार को दे दिया था कहने को लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण के इतने गोप गोपिकाएं सोलह हजार रानियाँ श्री कृष्ण बिल्कुल अकेले फायर इंटीमेशन फ्रॉम द डेथलेस प्लेन्स मनुष्य तैयार नहीं है उसके लिए अर्जुन जो उनके इतने करीबी हैं जब युद्ध हो जाता है कहते हैं आप मुझे वो सुनाइए ना जो आपने सुनाया था बहुत अच्छा लगा था आनंद आया था भूल गया तो भूल गया कहते आप वो नहीं सुना सकता हूं अब अलग गंगा बहेगी तो युधिष्ठिर की असेंबली में वो सुनाते हैं टू हाई टू वास्ट फॉर सोल्स नॉट बॉन्ड टू मेट विद हैवेन क्योंकि हम लोग तो जीवन में स्वर्ग भोग को ललकारना ये तो हम लोग के हृदय में नहीं आता हम लोग रोटी कपड़ा मकान इसमें सीमित है हमारे जीवन की दुकान थोड़े बहुत उसमें जुड़ जाए पकवान बस इसके आगे भगवान भगवान केवल इसके लिए भगवान का मेट बन के स्वर्ग और ये सबकी व्यथा होती है जो भी इस प्रकार के बींग्स होते हैं ना गुरु नानक की कहानी कई बार मैंने इसका वर्णन किया है कि लोग कहते हैं आपके तो इतने डिवोटीज़ हैं अनुवायी हो गए पूरा गांव आपको मानता है गुरु नानक कहते हैं रियली अपने बंदा उसको कहते हैं हाँ देखिए सब गुरु नानक गुरु नानक सुबह सुबह शबद चलो देखते हैं तो नेक्स्ट डे कहते हैं मैं यात्रा पर चल रहा हूँ कौन कौन जाएगा गुरु जी जा रहे हैं सब सब तैयार हो गए चलने के लिए अब वो चलते हैं तो रुक ही नहीं रहे लोग अपना सामान की पिकनिक करेंगे गुरु जी जा रहे हैं रास्ते में ये खाएंगे वो खाएंगे गुरु जी ही नहीं रहे रुकिए रुकी गुरु जी वो तो चलते चलते जा रहे हैं वो शेव करने को नहीं रुक रहे हैं उनकी दाढ़ी बढ़ गई है तो सब परेशान कहते हैं गुरु जी बर आ गए कुछ तो प्रॉब्लम है ये नॉर्मल नहीं लग रहे हैं तो सब धीरे 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 छटने लगते हैं कुछ चल रहे हैं तो उनको हाँफने लगते हैं चलते 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 लास्ट में केवल उनके जो जिन्होंने प्रश्न किया था बंदा बंदा साहेब वो साथ में कहते बंदा तूने कहा था मेरे बड़े शिष्य हैं हाँ देख जरा बुला कुछ लोगों को तो सब रास्ते में रह गए तो क्यों रह जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर वही बाद में भी आते हैं हमारे अंदर वो भागी नहीं है हमारी सोच इसलिए आप दुर्गा स्त्रोत में देखते हैं क्या कहते हैं श्री अरविंद हमें मेहद प्रयासी बना हमें हम छोटी चीज सी चीज़ शुद्धता ये भारतवर्ष का वो नहीं महा ही टू वांट द इम्पॉसिबल डेयर द इम्पॉसिबल वो वो व्यक्ति कबीर दास यही चीज कहते हैं अभी कबीर पंथ है गीत गाते हैं लोग जगह जगह जाकर आयोजन होता है पैसे सब कुछ होता है कबीर दास जी ने क्या कहा था अपने पंथ के बारे में कौन मेरे साथ चल रहा है तो कहते कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ जो घर फूके अपना चले हमारे साथ मेरे साथ चलना है चल अपने घर को आग लगा के अब कौन चलेगा साथ में तो उसी प्रकार से क्राइस्ट कौन किसको उन्होंने कहा कि कौन सच्चा क्रिश्चियन है जब बनेट शॉ से किसी ने पूछा कि आ, आपका क्या कहना है क्रिश्चियनिटी और क्राइस्ट के बारे में कहते एक ही क्रिश्चियन था उसको उन्होंने सुली पर लटका दिया एक ही क्रिश्चियन था उसके बाद उन्होंने उस क्रॉस को अपने दरवाजे पर लगा दिया उसके नाम पर पैसा वेटिकन आप देखिए पूरी एक वेटिकन अपने आप में एक बहुत कम लोग शायद जानते हो कंट्री है भाई वे उसमें कोई लॉ नहीं चलती है अपने आप में एक देश है उसमें आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं किसी को उसका अपना एक नियम है संविधान है रोम के अंदर एक छोटी सी लेकिन वो कंट्री है तो धन उसके बाद धन का पूरा वो जाल क्राइस्ट का है उनमें कौन है तैयार जो सूली पर चढ़ने के लिए तैयार है सब अच्छे से वैभव से अपने अपने घरों में रह रहे हैं क्राइस्ट के नाम तो वही पहले भी बताते श्रीविंद ओनली द लीव बिहाइंड स्प्लेंडेड नेम इसलिए भगवान को बार बार आना पड़ता है माँ बुद्धजेव के बारे में बताती हैं माता जी का एक अनुभव है जिसमें कहते हैं कि शाक्य मुनि के रूप में बुद्ध आते हैं और कहते हैं तुमने अपने हृदय में मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत सुंदर अद्भुत हीरा है जो तुमने पर्पल क्लॉथ में छिपाया हुआ है क्यों तुम संसार से इसको बांटना नहीं चाहती हो ये उनका फ्रांस में ये टोक्यो में अनुभव है तो कहते हैं मैं देख रहा हूँ तुम हेजिटेट कर रही हो कि तुम जब इसको शेयर करोगी तो कोई समझेगा नहीं हुए इज टू ग्रेट मस्ट लोनली लिव तो वो कहती लेकिन मुझे भी देखो मैंने भी इस चीज़ को कब मनुष्य ने भगवान को समझा है मेरे साथ भी यही डिलेमा था लेकिन फिर भी मैंने शेयर किया तुम भी शेयर करो क्योंकि ये तुम्हारा कर्म है मनुष्य नहीं समझेगा अब देखिए माता जी एक जगह बताती हैं जब बुद्धिज्म पे टॉक कहती हैं कि इवन जब बुद्ध थे शरीर में थे ऑलरेडी उन्होंने रिलीजन बना दिया था उनके नाम पर महायान और हीनयान बाद में तेरवाद बुद्धिज्म ये टिबेटन बुद्धिज्म ये सब आई बुद्ध बिल्कुल आइकनो क्लास थे वो तो ये तक कहते थे कि एक परमानेंट बस अनात्मवाद उसको नाम ना दो ये ना दो बट जब बुद्ध शरीर में तो उन्होंने रिलीजन बना दिया था माता जी कहती हैं श्री अरविंद के साथ भी ये प्रयास होगा और वो श्री अरविंद के नाम पर एक क्रूएल प्रकार का रिलीजन लेकिन लोगों को पता होना चाहिए दैट द लॉर्ड इज़ ग्रेट एंड मर्सीफुल एंड कॉम्पैशनेट भगवान जो हैं वो तो विशाल उन्होंने सबको अपने अंदर लिया हुआ है तो वो सचेत करती हैं दी हार्ट्स ऑफ मैन आर एमोरस ऑफ क्ले पसंद कौन आते हैं उनको मेरे जैसे लोग जिनके साथ आप सेम लैंग्वेज में बात कर सकें जो आपको बताएं कि अरे पता है अभी वहाँ पॉलिटिक्स में तुम्हारे स्टेट में क्या हो रहा है उसमें बड़ा मज़ा आता है लेकिन आप बोलेंगे कि लाइफ डिवाइन थोड़ा सा हाँ पढ़िए हमने एक चैप्टर प्रयास किया था कठिन होता है लेकिन लालू जी का भाषण जरूर सुनेंगे उसके बाद क्रिटिसिज्म होगा लालू जी ने ये कहा नीतीश कुमार ने यह कहा वो एक उनके क्योंकि माइंड इन चीजों से ऑक्यूपाइड है एमरस ऑफ क्लेकिन। क्लेकिन कौन है जो हमारी तरह बने हुए हैं तो डिवाइन की ओर मतलब हमें सब त्याग करके कंप्लीटली हमारी सब अवधारणाएं मानसिक मापदंड ट्रेडिशन सब कुछ उनके सर्वधर्मान पर इत्य जा तो वो चीज कठिन होती है मनुष्य के लिए ये उन सबके लिए होता है जो इस प्रकार से आते हैं टू वास्ट फॉर सोल्स नॉट बॉन्ड टू मेट विद हेवन यह भगवान की व्यथा है हु एवर इज टू ग्रेट मस्ट लोनली लिव एडोर्ड ही वॉक्स इन माइटी सॉलिट्यूड एडोर्ड उसके पास बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे आप एडोर्ड बट ही लिवस इन माइटी सॉलिट्यूड वेन इज इज लेबर टू क्रिएट हिस्स काइंड ओनली कॉमरेड इज द स्ट्रेंथ विद इन दस वॉज इट फॉर ए वाइल विद सावित्री एक जगह हम देखते हैं सुरेंद्र नाथ जौहर का एक इंटरव्यू है वो कहते हैं माता जी के पास कि मुझे कोई नहीं समझता है कि मैं क्या करना चाह रहा हूं तो माँ कहती वेरी गुड कौन समझेगा तुम किससे अपेक्षा करते हो कहते परिवार के सदस्य कहते क्यों समझेंगे वो हाउ विल दे अंडरस्टैंड तो फिर मैं तुम्हारे काम के लिए आपके काम के लिए स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी क्योंकि वो सोच रहे हैं कि परिवार के सदस्य कोऑपरेट करें तो मैं काम करूँ मां कहती है द स्ट्रेंथ इज विद इन यू तुम्हें तुम्हारे अंदर से स्ट्रेंथ मिलेगी उसके आधार पर तुम काम करोगे तो हु एवर इज टू ग्रेट मस्ट लोनली लिव ऑल वर्शिप मार्वलिंगली नन डेयर टू क्लेम हर माइंड सेट हाई पोरिंग इट्स गॉड लाइक बीम्स हर हार्ट वॉज ए क्राउडेड टेम्पल ऑफ डिलाइट ए सिंगल लैम्प लिट इन परफेक्शन हाउस ए ब्राइट प्योर इमेज इन ए प्रीशलेस श्राइन मिट्स दो सर्कलिंग लाइफ हर स्पिरिटेल्ड ए पार्ट इन हर सेल्फ अंटिल हर आवर ऑफ एट तो एक सावित्री के उस जीवन का वर्णन है जो उनको पता है मिशन लेकिन अब मिशन में जो मनुष्य कोलेबरेट करेंगे क्योंकि भगवान के मिशन में दो एस्पेक्ट्स होते हैं वो मनुष्य को आधार बना के कर रहे हैं वो एक शेडविन से किसी ने कहा आपको मनुष्यों की क्या आवश्यकता कहते हैं हाँ काम तो मैं कर दूंगा लेकिन वो मेरियोनेट्स वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने नहीं आए हैं एक परफेक्ट वर्ल्ड बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो मनुष्य की इंटेलिजेंस को डिवाइन इंटेलिजेंस में रूपांतरित करना है तो ऐसे मनुष्य होने चाहिए जो तैयार हैं तो वो नहीं मिलते हैं सब मिल जाते हैं एडोर करने वाले लोग मिल जाते हैं धन देने वाले लोग मिल जाते हैं काम करने वाले लोग मिल जाते हैं लेकिन वे लोग जो उनकी तरह बनना चाहें उनके साथ चलना चाहें जिसके लिए वो सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए हैं और ये भाव नहीं कि मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ माता जी कहती हैं अगर तुम्हारे अंदर ये भाव है तो ये सैक्रिफाइस नहीं है तुम्हें जॉय होना चाहिए कि तुम एक ऐसी चीज़ की ओर जा रहे हो जिसके सामने कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है माता जी ये बताती है कि सुपरमैन की पहली कंडीशन क्या है कहती जिस दिन तुमको ये ज्ञात हो जाएगा कि मानव सीमा में बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी कुछ नहीं है तब तुम तैयार होते हो फॉर द डिवाइन लाइफ जब तक तुमको ये लगता है भगवान तो है लेकिन ये भी है ये भी बन जाऊं वो भी हो जाऊं तो माँ कहती देन गोइंग टू द वर्ल्ड हैव द एक्सपीरियंस वो एम्बिशन तुम्हारा हो जाने दो लेकिन जिस दिन तुमको ये प्रतीत हो जाएगा कि ये बड़ी से बड़ी उपलब्धि कुछ भी नहीं है वहीं से हम लोगों ने प्रारंभ किया था कि सब कुछ करके भी कुछ है जो शेष है उस समय तुम तैयार होते हो तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे सावित्री हैज़ टू नाउ सर्च फॉर दैट ह्यूमन बींग वो मनुष्य कौन है जो भगवान के साथ चलने को तैयार है तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य जो अलग अलग ढंग से रिस्पॉन्स करते हैं और भगवान उन सबको अपने पास रखते हैं एक बार माता जी ने आश्रम के कंटेक्स्ट में कहा कहा कि अधिकांश लोग योग के लिए नहीं आए हैं साधना के लिए नहीं आए हैं एक लिमिटेड नंबर हैं जो योग के लिए आए उसकी पहचान होती है अंदर कोई आपको बाहर से कोई पहचान नहीं है वो अभिप्सा वो केवल भगवान जानते हैं कि किस अभिप्सा के लिए आया है कोई और नहीं जान सकता आपके बाहर देख करके तो कहती हैं तो फिर किसी ने पूछा बाकी लोग क्यों आए हैं फिर बुलाया भगवान ने हर तरह के बींग्स को बुलाते हैं और वो जो योग के लिए आए हैं उनको संसार का अनुभव भी देते हैं तो ऑलवेज हमेशा अल्टीमेटली भगवान के मार्ग पर चलने का मतलब है जो मात, माता जी ने कहा है कि एक समय आएगा जब तुम्हें और एक समय नहीं आता है वो एवरी टाइम यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप तो एक समय आएगा जब आपको केवल फेथ की एक सिलेंडर थ्रेड वो भी कोई मजबूत रस्सी नहीं सिलेंडर थ्रेड उसको पकड़ के आप लटक रहे होंगे और उस समय भी अगर कोई पूछे कि कौन है तेरा अपना आप बोलोगे मां जिस दिन उस समय निकला उफ देखो मेरे साथ क्या हुआ उस समय आपके सामने सारा राज वैभव प्रकट हो जाएगा लेकिन आप उस चीज को मिस कर दोगे जिसके लिए आप बने हो तो ये माता जी बताती हैं कि स्पिरिचुअल uh, लाइफ में टेस्ट आते हैं हर एक टाइम एवरी टाइम यू वांट टू टेक ए लीप प्रोग्रेस तो वो आएंगे आपके पास आपको उससे गुजरना है बिना डिस्पेयर किए बिना गिव अप किए तो ऐसे लोग जो उस समर्पण के भाव से चलें तैयार हैं पूरी तरह वो तब वही कर सकता है जिसके अंदर कंप्लीट सरेंडर है तो वो व्यक्ति क्योंकि वो ले जाएंगे तो भगवान अर्जुन ने यही तो अर्जुन की खूबी है कि वो भगवान का क्यों uh, मित्र बनता है शिष्य बनता है अर्जुन के अंदर वो क्या विशेषता है अगर हम देखें कि योद्धा के रूप में तो कर्ण भी हैं भीष्म भी है द्रोण हैं बहुत सारे लोग हैं भगवान चाहते थे उनकी भी मुंडी घुमा सकते थे यंत्र बना सकते थे यंत्र कौन बना अर्जुन क्योंकि अर्जुन के अंदर एक चीज़ थी जो किसी और के अंदर नहीं थी वो श्री कृष्ण के प्रति समर्पण और वो श्री बताते हैं कि यदि अपने कैफोरिज्म में वो अर्जुन की स्टोरी है यदि तुम्हारी ओर एक तरफ पूरा संसार हो उसकी चतुरंगिणी सेना वो भी भगवान की सेना है और दूसरी ओर श्री कृष्ण अकेले निहत्ते तो तुम चूज श्री कृष्णा हेलोन एंड अनार्म वो हमें सचेत करते हैं और ये चॉइस कई बार इस यात्रा में आती है क्योंकि बहुत कम लोग उसको चूज़ कर पाते हैं कहीं ना कहीं वो चले जाते हैं संसारिक सुख की ओर तो इसीलिए शेरविंद हमको ग्रोथ ऑफ द फ्लेम में कि कोई उनको मिलता नहीं है जो उनके साथ चल सके यहाँ पर हम लोग रुकेंगे नेक्स्ट वीक कॉल टू द क्वेस्ट नमस्ते